झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। बेमौसम बारिश और बदलते वातावरण के कारण हल्दी की फसलों पर करपा रोग लगने से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसका असर अब उत्पादन पर देखा जा रहा है। जब इस साल हल्दी के रकबे में बढ़ोतरी हुई थी, इसके बावजूद उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मराठवाड़ा के सभी जिलों में ही नहीं पर परभणी, हिंगोली और नांदेड़ में हल्दी का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इस साल भी अधिक रकबा लगाया गया था, लेकिन कृषि विभाग का अनुमान है कि हल्दी पर रोग और कीटों के बढ़ती घटनाओं के कारण बेमौसम बारिश ने फसलों को लगभग 50% तक कम कर दिया है। जनवरी में नई हल्दी बाजारों में आना शुरू हो जाएगी। हालांकि रुक रुक कर हो रही बेमौसम बारिश से ये फसल बुरी तरह प्रभावित हुई थी। बदलते मौसम के कारण हल्दी पर कंद झुलसा जैसे रोग सामने आए हैं। इसका असर हल्दी के आवक पर भी पड़ रहा है और हल्दी की आवक में कमी के चलते इस समय बाजार में हल्दी के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। इस समय हल्दी की औसत कीमत 8,000 रुपये प्रति क्विंटल है, इसलिए आने वाले सीजन में हल्दी की गुणवत्ता को देखते हुए कीमत में इतना अंतर हो सकता है। हल्दी के एक छोटे से क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है, लेकिन हल्दी के गुणों के हिसाब से इसकी एक अलग ही पहचान है। बुवाई से लेकर कटाई तक हल्दी की कीमत 50,000 रुपये से 60,000 रुपये होने का अनुमान है। इनमें बीज खरीद, रोपण, उर्वरक छिड़काव, श्रम, कटाई और हटाने के बाद फिर से पकाना और इसकी परिष्करण प्रक्रिया शामिल होती है। इन सभी लागतों को ध्यान में रखते हुए यह फसल 8,000 से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल होने पर ही सस्ती होती है। इस साल उत्पादन में गिरावट के बावजूद रेट से किसानों को राहत मिली है। जलवायु परिवर्तन के कारण हल्दी के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। उपज 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ प्रति वर्ष होता है, लेकिन इस साल उत्पादन में गिरावट की भरपाई दरों में बढ़ोतरी से हुई है। किसानों को अभी अपेक्षित दर कम मिल रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जनवरी में नई हल्दी की बाजारों को क्या कीमत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।